अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज शादियों का सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उपटन के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसको हम कैसे यूज करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो उपटन है वो मैंने किस तरीके से तैयार किया है, किस तरीके से आपने इसको यूज करना है, बनाना है, और फिर उसके बाद आफ्टर 5 डेज आपने मुझे बताना है कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। टोटली होममेड ऑर्गेनिक जो है वो उपटन है हमारा, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर कोई भी बाजारी चीज ऐड नहीं है, प्योर जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया हुआ उपटन है। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या शामिल हुए हैं वो मैं आप लोगों को आज सामने दिखाऊंगी और बताऊंगी। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने पड़े हैं, ये क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने बाउल के अंदर निकाल लेना है 1 टेबल स्पून उपटन। आप इसको हैंड वाइटनिंग के लिए यूज करेंगे और फेस वाइटनिंग के लिए। यहां पर मैंने ले लिया है जी 1/2 टेबल स्पून के करीब उपटन, ये चला गया इसके अंदर। अब ये जनाब बादामों का पाउडर है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बाउल में रखा है, ये ऑलरेडी इस उपटन के अंदर शामिल है। या कैसे, ये देखें, हर चीज इस उपटन के अंदर शामिल होती है। बादामों का पाउडर शामिल होगा इसके अंदर, प्लस इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे आपको गुठलियां बनी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मूनसून का वेदर है, तो कोई भी चीज होती है उसके अंदर गुठलियां बन जाती हैं। लेकिन जब हमने इसको उपटन के अंदर डाल के ग्राइंड किया है, वेल इसका पाउडर बनाया, तो हर चीज जो है वो अच्छे से मिक्स होगी। ये है जनाब कोकोनट मिल्क पाउडर, ये है जी कोकोनट मिल्क पाउडर, बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है वाइटनिंग के लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि जो टैनिंग हो गई है गर्मियों में हमारी स्किन के ऊपर, 2 टोन स्किन हो गई है, स्पेशली यहाँ की ब्लैक हो जाती है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर शामिल हैं। ये आपको ऐसे ही मिलेगा, आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको स्किप कर दे हैं, इसको स्किप कर देते हैं, सिर्फ हमने उपटन निकालना है बाउल में जो हम निकाल चुके हैं, और आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दही। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछते हैं दही के अल्टरनेट कोई और ऑप्शन, तो नहीं, सिर्फ दही ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है। इसका अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना है दही के साथ, रनी पेस्ट ना हो, इस तरीके का पेस्ट हो कि जब आप इसको अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर तो ये गिरे नहीं। अब जो हमने बादाम इसके अंदर शामिल किए हैं वो एज अ स्क्रबिंग का काम करेंगे। बादाम और दही इतना कमाल का मिक्सचर है आपकी स्किन के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनके कितने बेनिफिट्स हैं। तो ये नेचुरल उपटन है, प्लस इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि वाइटनिंग का पाउडर भी शामिल है, जो कि आपकी स्किन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है अपने फेस के ऊपर डेली बेसिस पे, स्किप नहीं करना है, डेली यूज करना है आपने इसको। ये जो जार आपके पास पहुंचेगा ये 1 मंथ की क्वांटिटी होती है, अगर आप जस्ट हैंड्स पे लगाते हैं, सॉरी फेस पे लगाते हैं। अगर आप पूरी बॉडी पे लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर ये खत्म हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हमने इसके अंदर शामिल की हैं, ये तमाम की तमाम चीजें बहुत ही जबरदस्त हैं। इसको आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, सिंपली आपने क्या करना है, मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, अपने फेस के ऊपर इसको ऐसे लगाना है, ये मैं आपको हैंड्स पे लगा के बता रही हूँ, आपने हैंड्स के ऊपर भी ऐसे ही लगाना है इसको, ठीक है। ये लगाया आपने, अब आपने क्या करना है, लगा के इसको अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी, जैसे हम स्क्रब करते हैं नॉर्मली घर के अंदर, अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है अपने हाथों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर, करते रहना है 5 मिनट्स के लिए। आपने घड़ी देख लेनी है कि 5 मिनट्स मैंने स्क्रबिंग करनी ही करनी है, ठीक है। जब आपने स्क्रबिंग 5 मिनट्स आपके गुजर जाएंगे, स्क्रबिंग हो गई, आपने छोड़ देना है, तब तक लीव कर देना जब तक ये छिलका ना बन जाए, ये उतर ना जाए, मतलब आपके हाथों के ऊपर बिल्कुल ड्राई हो जाए, फील हो कि आपके हाथ टाइट हो रहे हैं, ठीक है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसको जब धोना है तो अच्छे तरीके से रोटेट करते हुए उतारना है आपने इसको अपने हाथों से, अपने फेस से अच्छे तरीके से। और अगर आपको इसके रिजल्ट्स ना मिले 5 डेज के अंदर तो आप मुझे इसका क्लेम कर दीजिएगा कि हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आपने ये नहीं करना कि साथ, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो साथ में काफी सारी चीजें लगा रहे होते हैं फेस पे, तो ऐसे ना किया करें। आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें, चाहे वो मेरा हो या किसी का हो, इसको फिर उसी के साथ आप लोग रेगुलर रहा करें। बीच में आप ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, तो फिर इस तरीके से जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑर्डर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके मुझसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।